हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू तीन नसीम ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों अभी मैं छत पे हूँ और यहाँ का अभी मौसम बहुत अच्छा किया, मतलब कि धूप हो गया है। तीन चार दिन से तो धूप ही नहीं हो रहा था, खाली बारिश हो रहा था, लेकिन दोस्तों आज बारिश नहीं धूप किया दोस्तों। और धूप करने के कारण से आपको मैं दिखा दूँ कि छत पे पूरे देख सकते हैं कपड़े नम डाले गए हैं और यहाँ गड्ढा उड्ढा भी डाला गया है और यहाँ पर सुखाया जा रहा है, क्योंकि चार पाँच दिन के बाद दोस्तों धूप आज हुआ है। और दोस्तों ऐसा है कि मेरे यहाँ ही नहीं, सबके छत पे कपड़े सूख रहे हैं, दिखा दूँ मैं आपको। देख सकते हैं सबके छत पे कपड़े नम डाले गए हैं और सुखा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद धूप हुआ है। इसको देख सकते हैं धूप में दौड़ा दौड़ी कर रहा है पूरा। चलो नीचे, धूप में मत रहो। तो जा रहे हैं आप नीचे। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी बाहर सामान खरीदने के लिए। तो जाते हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। यहाँ पर मैंने अपना स्कूटी को निकाल लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब मुस्कान होटल के पास पहुंच गए, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला जो गोदरेज इंटीरियर का दुकान है दोस्तों, और आप मेला घुसने वाले हैं और घुस रहे हैं दोस्तों। मेला यही है मेला, जो कि रथ मेला लगा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भीड़ है और पूरा रथ मेला दोस्तों लगा हुआ है यहाँ। ये वाला है कैंडी बाजार, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अब हम लोग पहुंच गए स्मार्ट बाजार दोस्तों, और यहाँ पर सारा सामान है आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर, और हम लोग लिए हैं दोस्तों अमूल बटर और चीज़, और अब यहाँ मैगी वैगी देख सकते हैं, और यहाँ तेल वेल है, फॉर्चून वॉर्चून है, सब कुछ है। और यहाँ पर टॉफी उफी रखा गया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यही बिलिंग मशीन है, इसी में बिलिंग होता है दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लोग का शॉपिंग हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो जाते हैं घर, फिर आप लोग से मिलते हैं। ये दोस्तों मेनू है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हर तरह का केक वेक पेस्टीज उस्टीज अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही है, आप लोग ब्लॉग में भी देखे हैं कि आज बहुत भीड़ था, रथ यात्रा निकला था दोस्तों, जो कि पाकुड़ में, वो लोग जानते होंगे कि रथ यात्रा क्या होता है। वही दोस्तों पाकुड़ में निकला था और बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इस कारण से मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, वहाँ से निकल गया, क्योंकि मैं फंस चुका था वहाँ पे पूरा भीड़ में दोस्तों। और दोस्तों रथ यात्रा में मतलब वो निकलता है रथ और उसको घुमाया जाता है, जैसा कि पाकुड़ में होता है। और रथ मेला भी लगता है, जो कि आपको मैं ब्लॉक में दिखाया, और बहुत कुछ आया हुआ है रथ मेला में दोस्तों। तो आप लोग जो जो पाकुड़ में, वो लोग जा कर के देख सकते हैं, उनको तो पता ही होगा, और आप लोग जाते भी होंगे मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है, लेकिन क्वालिटी जो सामान का दाम रहता है उसी हिसाब से दोस्तों सामान रहता है। तो अगर आप लोग अच्छा सामान लेते हैं तो आप लोग वहाँ ना जाएं, अगर मीडियम क्लास के हैं और लो क्लास के हैं तो वहाँ जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दोस्तों फिर मैं चला गया था मॉल, मॉल से बहुत कुछ शॉपिंग किया, और मैं गया था और मेरे साथ मेरे अभिषेक भैया थे, तो हम दोनों मिल करके दोस्तों गए थे, और फिर दोस्तों शॉपिंग किए और फिर घर आ गए दोस्तों। शॉपिंग करने के बाद दोस्तों घर नहीं आए, पहले हम लोग चले गए बेकरी में, जो कि केक और बेकरी है, और वहाँ पर बहुत तरह के हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि उन्होंने हमें कार्ड भी दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है बेक फॉर मी लाइव, और ये नंबर दिया हुआ है, ये कि पाकुड़ में है। तो दोस्तों आप लोगों ने उनका कार्ड देखा, अगर आप लोग पाकुड़ में हैं तो ये पिज्ज़ा हो गया, केक हो गया, सारा कुछ का ये डिलीवरी करते हैं, ये सब चीज़ का, तो आप इस नंबर पर कॉल करके घर पे मंगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ जो केक और पिज़्ज़ा जो बनता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी, और आपको बहुत ही अच्छे दाम में मिल जाएगा,
आप अगर मीडियम क्लास के हैं तो भी आप मंगा सकते हैं, हाई क्लास के हैं तो हाई क्लास के भी मंगा सकते हैं। हर तरह का पिज़्ज़ा और केक अवेलेबल है दोस्तों। टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मैंने खा के देखा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर अगर घर में आपका मेहमान आ गए या कोई और आ गए तो आप यहाँ पर फ़ोन कीजिए और ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं दोस्तों। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, वो घर पे लाके पहुँचा देंगे। तो दोस्तों वहाँ में हम लोग चले गए थे, तो दोस्तों वहाँ से फिर आ गए घर। तो दोस्तों आपको आज का अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों आज आपसे लेते हैं अलविदा, बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।